brought to you by Cuckoo FM. Download the app now. मशहूर अमरीकी फोटोग्राफर सैली मैन का एक कथन है, फोटोग्राफ्स ओपन डोर्स इनटू द पास्ट बट दे आल्सो अलाउ अ लुक इनटू द फ्यूचर। यानी तस्वीरें सिर्फ अतीत का दरवाजा नहीं खोलती बल्कि भविष्य की झलक भी दिखलाती हैं। आजकल दुनिया का पहिया अफगानिस्तान के इर्द गिर्द घूम रहा है। आज के शो में हम चर्चा करेंगे अफगानिस्तान के इतिहास की सबसे मशहूर तस्वीरों के बारे में और उसके ज़रिए किस्सों के बारे में। सबसे पहले घोड़े पर सवार उस हताश ब्रिटिश सर्जन की कहानी जानेंगे जिसने अफगानिस्तान की मिट्टी की तासीर दशकों पहले बता दी थी। जानेंगे उस अफगान गर्ल की कहानी जो 80 के दशक में अफगानिस्तान के हालात का प्रतीक बन गई थी। फिर बामियान में बुद्ध की मूर्ति उड़ाए जाने का किस्सा जिसने तालिबानी शासन का सच उगाड़ दिया था। इसके अलावा इस पर भी बात करेंगे कि अफगानिस्तान के ताज़ा हालात क्या हैं और क्या नया हो रहा है। नमस्ते, मेरा नाम है सौरभ द्विवेदी और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप का इंटरनेशनल खबरों का डेली बुलेटिन दुनियादारी। सबसे पहले ये तस्वीर देखिए, इसमें एक सैनिक घोड़े पर बैठा दिख रहा है, चेहरा पीछे की तरफ झुका हुआ और घोड़े की हालत भी बहुत खराब। ऐसा लगता है मानो वो किसी भी पल दम तोड़ देगा। आपने तस्वीर को गौर से देख लिया, अब इसके पीछे की कहानी जानते हैं। ये तस्वीर असल में एक पेंटिंग है, इसे बनाया था ब्रिटिश पेंटर एलिजाबेथ थॉम्सन ने। साल 1879 में ये पेंटिंग बनाई गई थी दूसरे ब्रिटिश अफगान वॉर के दौरान, एंग्लो अफगान वॉर। हालांकि जिस कहानी को उन्होंने अपनी पेंटिंग का आधार बनाया वो 37 साल पहले घट चुकी थी, पहले एंग्लो अफगान वॉर के दौरान। ये कहानी क्या थी? ये तब की बात है जब भारत पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का राज था। 18वीं सदी में रूसी साम्राज्य अपनी सीमा का विस्तार करने में जुटा था और ब्रिटेन को एक डर था इसके चलते बहुत दिनों से कि अगर रूस ने अफगानिस्तान को अपने काबू में कर लिया तो फिर वो भारत तक पहुंच सकता है, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रभुत्व वाले इलाके तक पहुंच सकता है। ऐसे में ब्रिटेन ने अपने बचाव के लिए आक्रमण का रास्ता चुना। 1838 में ब्रिटेन ने अफगानिस्तान पर हमला किया, काबुल में कठपुतली सरकार और सेना बिठाई। उसके बाद अफगान कबीलों का भरोसा जीतने के लिए खूब पैसा भी खर्च किया लेकिन उन्हें वहाँ से कुछ हासिल नहीं हो रहा था, उल्टा ब्रिटेन के खिलाफ विद्रोह बढ़ रहा था। ब्रिटिश इंडिया के अकाउंट डिपार्टमेंट्स का एक बयान मिलता है कि अगर इसी तरह 6 महीने और चला तो भारत में हमारा खजाना पूरी तरह खाली हो जाएगा अफगानिस्तान के चक्कर में। इसके बाद लंदन से हुक्म आया कि खर्च में कटौती की जाए, कबीलाई नेताओं को पैसा देने के बजाय लोकल लोगों की आर्मी बनाई जाए, जब वो मजबूत हो जाएं तो काबुल से वापस लौटाया जाए कुछ प्रतिनिधियों को छोड़कर। ऐसे फरमान के बाद कबीलों को दी जा रही मदद बंद कर दी गई और इससे लोग अचानक से नाराज हो गए। अब उन्हें अपनी ज़मीन पर विदेशी शासन पसंद नहीं आ रहा था। ब्रिटिश राज के इस फैसले ने आग को और भड़का दिया। इसके बाद कबीलों ने ब्रिटेन के खिलाफ जिहाद का बिगुल फूंक दिया। मशहूर इतिहासकार विलियम डलरिम्पल एक और घटना का जिक्र करते हैं। नवंबर 1841 की बात है, ब्रिटिश ऑफिसर अलेक्जेंडर बर्न्स को एक अफगान लड़की से प्यार हो गया, उसने उसे अपने घर में रख लिया। वो लड़की एक अफगान की गुलाम थी। अफगान को लगा उसका अहंकार लुट गया। ये खबर जब गांव में फैली तो माहौल अचानक से बदलने लगा। आनन फानन में ब्रिटिश एजेंट सर विलियम मैकनाथन ने सुरक्षित बाहर जाने देने का समझौता किया लेकिन अफगानों ने मैकनाथन की हत्या कर दी। अपने दो दो अधिकारियों की हत्या के बाद ब्रिटेन को हालत का अंदाज़ा लग गया। फिर 6 जनवरी 1842 को ब्रिटेन ने वापसी के लिए कूच किया। ब्रिटिश आर्मी की एक टुकड़ी जलालाबाद में मौजूद थी, यानी काबुल से लगभग 150 किलोमीटर दूर, लेकिन मौसम ख़राब होने की वजह से ये लोग वहाँ पहुँच नहीं पा रहे थे और काबुल वहाँ पर हालात इतने ख़राब हो चुके थे कि रुकना मुनासिब नहीं था। ऐसे में 6 जनवरी को 16,500 लोगों का काफिला काबुल से निकला। इसमें 4,500 सैनिक भी थे और बाकी लोग सैनिकों की सेवा के लिए। ब्रिटेन ने सुरक्षित वापसी का समझौता पहले ही किया था पर कोई गारंटी थी नहीं और फिर जो उन्हें आशंका थी वो सच साबित हो गई। अफगान कबीलों ने काफिले को घेर कर जोरदार हमला किया और कई लोग तो रास्ते में ठंड के चलते मर गए। उधर जलालाबाद में ब्रिटिश आर्मी काबुल से आ रहे मेहमानों के स्वागत की तैयारी कर रही थी लेकिन एक हफ्ते के बाद वहाँ एक हताश सैनिक पहुँच पाया और उसके गले पर भी तलवार के निशान थे, हाथ कटा हुआ था, घोड़ा मरियल स्थिति में था। उस सैनिक का नाम था विलियम ब्राइडन, काबुल से चली कुमुक का इकलौता बचा सिपाही जो ब्रिटिश आर्मी में असिस्टेंट सर्जन के पद पर काम कर रहा था।
जलालाबाद में मौजूद ब्रिटिश कमांडर ने पूछा, बाकी सेना कहाँ है? ब्राइडन ने हताश लहजे में कहा, आई एम द आर्मी, यानी मैं इकलौता ही बचा हूँ। उसी विलियम ब्राइडन की कहानी को एलिजाबेथ थॉमसन ने अपनी पेंटिंग में आकार दिया था और इसका नाम रखा था रेमिनेंट्स ऑफ एन आर्मी, यानी एक सेना के अवशेष। हालांकि अगले कुछ दिनों में कई और लोग भी बचकर निकल आए, लेकिन ये संख्या 100 के आसपास थी। आप सोचिए, 16,500 में से 100, तो आपको घटना की विभीषिका का अंदाजा लग जाएगा। इस घटना ने उस समय की महाशक्ति ब्रिटेन का मनोबल चकनाचूर किया, साथ में अफगानिस्तान की मिट्टी की तासीर भी बयां कर दी। अब बात करेंगे दूसरी तस्वीर की, वो है अफगान गर्ल की तस्वीर। रिफ्यूजी कैंप में रहने वाली सुर्ख आंखों की 12 साल की लड़की, जो जुलाई 1985 में मशहूर पत्रिका नेशनल ज्योग्राफिक के कवर पर छपी। इस तस्वीर को क्लिक किया था जाने माने फोटोग्राफर स्टीव मैकरी ने। इसको इतिहास की सबसे चर्चित तस्वीरों में गिना जाता है। इसकी तुलना लियोनार्डो डा विंची की मोनालिसा वाली पेंटिंग से भी की जाती है। स्टीव मैकरी ने यह तस्वीर दिसंबर 1984 में खींची थी। उस समय अफगान सोवियत वॉर चल रहा था, लाखों की संख्या में लोग विस्थापित थे, खाने तक के लिए कुछ नहीं। मैकरी ये वॉर कवर करने के लिए आए हुए थे। उन्होंने पेशावर में नासिर बेग कैंप के पास चल रहे स्कूल में बच्चों की आवाज़ सुनी, फिर टीचर से बच्चों को देखने की इजाज़त मांगी और तभी उन्हें ये ऐतिहासिक तस्वीर मिली। लेकिन उस कमरे में भीड़ और शोर इतना ज़्यादा था कि उन्हें बच्ची का नाम पूछने का मौका तक नहीं मिला। मैकरी बताते हैं कि उस तस्वीर के छपने के बाद बहुत बदलाव हुआ। लोग रिफ्यूजी कैंप में मदद के लिए आने लगे। अफगान लोगों के दर्द की तरफ दुनिया का ध्यान भी गया। नेशनल ज्योग्राफिक ने अफगान बच्चों की मदद के लिए एक फंड भी बनाया। तो तस्वीर मशहूर हुई, इतने सारे प्रयास हुए, लेकिन उस लड़की का क्या? उस लड़की का पता 18 बरस बाद चला, 2002 में। उस लड़की का नाम था शरबत गुला। उस वक्त तक उसकी शादी हो चुकी थी 2002 में। अफगान गर्ल की तस्वीर पर पक्ष और विपक्ष दोनों तरह के तर्क दिए जाते हैं। एक पक्ष कहता है कि वो तस्वीर अफगानिस्तान के गर्व, आत्मसम्मान और जिजीविषा को दर्शाती है और दूसरे पक्ष का मानना है कि असल में वो लड़की गुस्से में थी। पश्तून समाज में महिलाओं को चेहरा दिखाने की इजाज़त नहीं होती, वो भी गैर मर्द और गैर मुस्लिम के सामने कतई नहीं। स्टीव मैकरी पर आरोप लगते हैं कि उन्होंने गुस्से के भाव को कुछ और बताकर प्रचारित किया। इसके चलते शरबत गुला को बाद में कई परेशानियों का भी सामना करना पड़ा। आप इन दोनों पक्षों में से खुद को किसके करीब पाते हैं, कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। तीसरी तस्वीर है बामियान में स्थित बुद्ध की दो प्रतिमाओं की, जिसे तालिबान के आतंकवादियों ने 2001 में बम से उड़ा दिया था। बुद्ध की ये प्रतिमाएं कम से कम 1500 बरस पुरानी थीं। इन्हें पहाड़ को काटकर बनाया गया था। उस समय इनका शुमार दुनिया की सबसे ऊंची बुद्ध मूर्तियों में किया जाता था। साल 2001 में अफगानिस्तान में तालिबान का शासन था और अब हम जानते हैं कि वो उनके उस दौर का आखिरी बरस था। तब तक तालिबानियों की कट्टरता अपने चरम पर थी। फरवरी के महीने में तालिबान ने बुद्ध की प्रतिमाओं को उड़ाने का ऐलान किया। ये उनकी कट्टर नीति का नतीजा था। पूरी दुनिया में निंदा हुई, यहाँ तक कि पाकिस्तान के राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने भी उन प्रतिमाओं को बख्शने की अपील की। भारत ने ऑफर दिया कि वो उन प्रतिमाओं को अपने यहाँ शिफ्ट कर सकता है, लेकिन तालिबान ने किसी की नहीं सुनी। उनका ध्यान मूर्ति भंग से ज़्यादा उसके प्रदर्शन पर था। एक दिन तालिबानी लड़ाके मूर्ति के सामने इकट्ठे हुए, मन भर गोलियां बरसाईं और जब मूर्ति तब भी नहीं टूटी तो बम लगाकर उड़ा दिया। इस घटना के पीछे कई तर्क दिए जाते हैं। एक तो ये कि इस्लाम में मूर्ति उपासना की व्यवस्था नहीं है, इसलिए वो गैर मुस्लिमों को सबक सिखाना चाहता था। दूसरा तर्क ये कि तालिबान पर लादेन का प्रभाव बढ़ रहा था, इसलिए उसके कहने पर इस घटना को अंजाम दिया गया। एक दिलचस्प तर्क तालिबान की तरफ से और भी आया था। मुल्ला उमर का एक सलाहकार था रहमतुल्ला। उसने अंदर की कहानी बताई कि कैसे तालिबान ने उन मूर्तियों को उड़ाने का फैसला किया। विध्वंस से कुछ हफ्ते पहले की बात है, यूएन की तरफ से बार बार चेतावनी दी जा रही थी कि अफगानिस्तान में 10 लाख से अधिक लोग भूख की वजह से मर सकते हैं। अफगानिस्तान लंबे समय से युद्ध, सूखे और देह कपाने वाली ठंड से जूझ रहा था। तभी विदेश से एक डेलीगेशन आया। उन्होंने तालिबान को बामियान की बुद्ध प्रतिमाओं को ठीक कराने का प्रस्ताव दिया और इसके लिए वे लोग करोड़ों खर्च करने को तैयार थे। तालिबान ने कहा कि आप ये पैसा लोगों के खाने पर खर्च कर दीजिए। उन लोगों ने इस प्रस्ताव को सिरे से नकार दिया। उनका कहना था कि पैसे सिर्फ मूर्ति के लिए हैं, लोगों के लिए नहीं, और इससे नाराज़ होकर तालिबान ने मूर्ति को उड़ाने का फैसला किया। ये तालिबान की कहानी है, उनके द्वारा सुनाई गई कहानी। पर एक बात आपने खूब सुनी होगी, अगर आप कुछ नया बना नहीं सकते तो आपको कुछ पुराना बिगाड़ने का
हक नहीं है और तालिबान को तो वैसे भी अपने आतंकी और कट्टर रवैये की वजह से कोई हक नहीं है। हक उनको भी नहीं है जो कमेंट बॉक्स में आकर हमसे पूछते हैं कि तालिबान ने हमारी भैंस खोल ली या खेत जोत लिया जो हम इतनी खबरें दिखा रहे हैं। हम तो जो दिखा रहे हैं वो दिखा रहे हैं, पर आपको हमारे खबरें दिखाने से इतना एतराज़ क्यों हो रहा है? अगर आप हिंदी भाषी हैं तो आपका तो तालिबान से सिर्फ करुणा का रिश्ता होना चाहिए और वहाँ के जो पीड़ित हैं उनका पक्ष आपका पक्ष होना चाहिए। और हिंदी भाषी नहीं भी हैं तो किसी दूसरी भाषा में है, क्योंकि भारत में सिर्फ हिंदी नहीं बोली जाती, तब भी आपका पक्ष स्पष्ट होना चाहिए। और अगर आप भारतीय भी नहीं हैं, क्योंकि कई दोस्त हैं लल्लन टॉप के जो नेपाल में लल्लन टॉप देखते हैं, बांग्लादेश में देखते हैं, पाकिस्तान से भी कमेंट बॉक्स में मैसेज आते हैं, दुनिया भर में जो हिंदुस्तानी ज़बान समझते हैं वो देखते हैं, उनका भी अफगानिस्तान से यही रिश्ता होना चाहिए। कोई भी धर्म, कोई भी मजहब, उसकी कोई भी कट्टरपंथी व्याख्या यदि इंसान को इंसान नहीं समझती, उसकी गरिमा, उसकी आज़ादी का मूल्य नहीं समझती, तो उसके होने का कोई मतलब नहीं है। अब चलते हैं इन मतलबों की बात के बाद अफगानिस्तान के ताज़ा हालात की तरफ। अफगानिस्तान के इर्द गिर्द क्या कुछ हो रहा है, हमने कल के दुनियादारी में आपको नॉर्दर्न अलायंस और अहमद शाह मसूद की कहानी विस्तार से सुनाई थी। दो दशक बाद एक बार फिर से ये गुट खड़ा हो रहा है तालिबानी शासन को चुनौती देने के लिए। इस बार इस गुट की कमान अहमद शाह मसूद के बेटे अहमद मसूद के हाथ में है और पिछले कई दिनों से वो मुजाहिदीन फाइटर्स को साथ लाने में जुटे हैं। अमरीकी अखबार द वॉशिंगटन पोस्ट ने अहमद मसूद का एक आर्टिकल पब्लिश किया है। मसूद ने लिखा है कि हम तालिबान का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमें मदद की ज़रूरत है। अगर हमें और हथियार नहीं मिले तो हम लड़ाई को जारी नहीं रख पाएंगे। मसूद ने यह भी लिखा कि अमरीका और उसके सहयोगी देश हमारी आखिरी उम्मीद हैं। तो क्या कोई देश मसूद की इस अपील से इत्तेफाक रखेगा? देखने वाली बात होगी। उधर अमरीकी सैनिक अभी भी अफगानिस्तान में सीमित संख्या में मौजूद हैं। ये सैनिक काबुल एयरपोर्ट को सुरक्षा दे रहे हैं। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि यूएस आर्मी अंतिम अमेरिकी नागरिक के निकलने तक अफगानिस्तान में मौजूद रहेगी। अमेरिका ने सभी सैनिकों को निकालने के लिए 31 अगस्त 2021 की डेडलाइन तय कर रखी है। अगर इस तारीख के बाद भी कोई अमेरिकी नागरिक बच जाता है तब भी यूएस आर्मी सुरक्षा मुहैया कराती रहेगी। अमेरिका के अलावा कई और देशों ने भी अपना एयरलिफ्ट मिशन तेज कर दिया है। यूनाइटेड नेशंस अपने कई स्टाफ को कजाकिस्तान वाले दफ्तर में शिफ्ट कर रहा है। पिछले कुछ दिनों में काबुल एयरपोर्ट पर हुई हिंसा में भी कम से कम 12 लोगों की मौत हो चुकी है और इस पर तालिबान का बयान भी आया है कि जिनके पास विदेश जाने के लिए ज़रूरी कागजात नहीं हैं उन्हें अब एयरपोर्ट में एंट्री नहीं दी जाएगी। वैसे तालिबान ने काबुल पर कब्जे के बाद 18 अगस्त को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी जिसमें बहुत सारे वायदे किए गए। कहा कि किसी तरह की दुश्मनी नहीं निभाई जाएगी, किसी के साथ बदले की भावना से पेश नहीं आया जाएगा और किसी के घर में घुसकर नहीं पूछा जाएगा कि वे किसके लिए काम करते हैं। पर हमारे एक पुरखे कवि लिख गए हैं ना, बातें हैं बातों का क्या। वैसे न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के बारे में भी सुन लीजिए जो बताती है कि सत्य कुछ और है। यूएन के खुफिया दस्तावेजों से पता चला है कि तालिबान यूएस और नाटो आर्मी के साथ काम कर चुके अफगान लोगों की तलाश कर रहा है। तालिबान के पास ऐसे लोगों की लिस्ट भी है। लड़ाके ऐसे लोगों को घरों में घुसकर अरेस्ट कर रहे हैं और जो सरेंडर करने से मना कर रहे हैं उनके घर वालों को मारने की धमकी दी जा रही है। मसलन ऑस्ट्रेलियन आर्मी के लिए अनुवादक का काम कर चुके एक अफगान को तालिबान ने सिर्फ इसी वजह से गोली मार दी। गंभीर हालत में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। ये नौजवान अफगानिस्तान से बाहर निकलने के लिए काबुल एयरपोर्ट पर आया था। तालिबानी लड़ाकों ने उसे कतार में देखा और अलग निकाल कर गोली मार दी। अब बिल्कुल आज एन अभी की बात करते हैं। 19 अगस्त जिसे स्वतंत्रता दिवस के तौर पर अफगानिस्तान मनाता है क्योंकि इसी दिन 1919 के साल में अफगानिस्तान ब्रिटिश हुकूमत से आज़ाद हुआ था। अजदाबाद शहर में आयोजित एक समारोह में लोगों ने इस मौके पर अफगानिस्तान का राष्ट्रीय झंडा फहराया और इसके बाद तालिबान के लोगों ने फायरिंग शुरू कर दी। रिपोर्टों के मुताबिक इस घटना में कई लोगों की मौत हो गई। तालिबान का अपना झंडा है। काबुल पर कब्जे के बाद उन्होंने राष्ट्रीय झंडे को उतारकर अपना झंडा हर जगह फहराना शुरू कर दिया। उधर राष्ट्रपति अशरफ गनी देश छोड़कर भागने के बाद कयास लग रहे थे कहाँ गए, अब पता चला कि यूएई पहुंच गए हैं। 18 अगस्त को उन्होंने फेसबुक पर वीडियो जारी कर अपनी बात रखी। कहा कि अधिकारियों के कहने पर अफगानिस्तान से बाहर भागे थे और ये भी कहा कि नहीं चाहता था कि काबुल अगला सीरिया या यमन बन जाए। उन्होंने पैसे लेकर भागने के आरोप से भी इनकार किया। कहा कि सिर्फ कुछ कपड़े लेकर यूएई आया हूँ। इससे पहले ताजिकिस्तान में अफगानिस्तान के राजदूत ने गनी पर गद्दारी का आरोप लगाया था और कहा था कि वो अपने साथ लगभग 13 अरब रुपए लेकर भागे हैं।
सत्य क्या है हम नहीं जानते, पर इतना ज़रूर पता है कि अशरफ गनी ने जितनी आसानी से तालिबान के आगे घुटने टेके उससे अफगानिस्तान का भविष्य अंधकारमय हो गया। आज का दुनियादारी यहीं पर ख़त्म होता है। उम्मीद है कल फिर मुलाकात होगी, उम्मीद है कि दुनिया बेहतर होगी, उम्मीद है कि दुनियादारी के सबक मेरे देश वाले याद रखेंगे। शुभ रात्रि।